देना उनके मन को जो मन दूंगा बहुत सारा दूरा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं, ये एक फेसबुक लाइव ही तो है। दरअसल फेसबुक लाइव तो जरूर है, लेकिन किसी आम जगह से नहीं बल्कि जेल से बंदी को लेकर जाने वाले वज्र वाहन के अंदर से है। सायरन भी आपको सुनाई दे रहा होगा और वीडियो में एक पुलिसकर्मी भी बैठा नजर आ रहा होगा, और ये पेशी के लिए जा रहा लोकेंद्र उर्फ कारतूस यादव है जो फेसबुक लाइव कर अपने विपक्षी को गंदी गंदी गालियां दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। हुआ यूं कि यूपी के महोबा जिले में जेल का एक बंदी पेशी में जाते समय वज्र वाहन के अंदर से फेसबुक लाइव आकर अपने दुश्मनों को धमका रहा है, जबकि न्यायालय की पेशी में जिस वज्र वाहन से जेल का बंदी ले जाया जा रहा है उसमें एक दरोगा सहित 3 कांस्टेबल मौजूद है। अब इसे पुलिस की लापरवाही कहें या सुविधा, खुलेआम जेल का बंदी फेसबुक पर लाइव है। इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस मामले में ड्यूटी में तैनात दरोगा सहित 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया और फेसबुक लाइव करने वाले अभियुक्त के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक कैदी पुलिस अभिरक्षा में अपने विपक्षियों को गाली दे रहा है। इस संबंध में प्राथमिक जानकारी की गई तो लोकेंद्र यादव उर्फ कारतूस यादव जो कि हमीरपुर का रहने वाला है एवं कारागार महोबा में जो है निरुद्ध है, उसको पेशी पर जो है हमीरपुर जनपद ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसने पुलिस वाहन में अपने विपक्षी को मोबाइल से जो है फेसबुक लाइव करके कुछ गालियां दी हैं। इस संबंध में प्रथम दृष्टया पुलिस की लापरवाही मानते हुए सभी कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है एवं बंदी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा महोबा पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रेस नोट जारी कर उप निरीक्षक शशांक देव शुक्ला, हेड कांस्टेबल अरविंद आर्या, हेड कांस्टेबल कौशलेंद्र मिश्रा और कांस्टेबल कमलेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की सूचना दी। महोबा से नायद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।